अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर फॉरेन डीएनए होता है। ठीक है ना, जिनके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट करवाया जाता है। तो ट्रांसजेनिक जो वर्ड है ना, इसका मतलब यही है कि फॉरेन डीएनए की इंसर्शन करवाना फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, सो दैट द फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इन दिस एनिमल, सो फॉर द पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिक जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जीन को अल्टर्ड किया जाता है। किस तरह? फॉरेन डीएनए की इंसर्शन से जीन अल्टर की जाती है, जीन के अंदर तब्दीली लाई जाती है। किस तरह? फॉरेन डीएनए इंसर्शन से, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवा के। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक एनिमल की, तो ट्रांसजेनिक एनिमल की एक बेसिक डेफिनेशन यही होगी कि ट्रांसजेनिक एनिमल आर दोज एनिमल दैट हैव हैड देयर जीन अल्टर्ड। ठीक है, उसकी जीन अल्टर्ड कर दी गई है बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए। इन फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा के, इंसर्ट करवा के जीन अल्टर्ड कर दी जाती है जिन एनिमल्स की, उनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो फॉरेन डीएनए की इंसर्शन कहाँ पे करवाई गई है? एनिमल के जीनोम में, और जीन की सीक्वेंस जो है वो अल्टर हो गई है, तब्दील हो गई है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। तो अगर आप इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो साथ ही लिख लें, ट्रांसजेनिक एनिमल आर एनिमल्स दैट हैव हैड देयर जीन अल्टर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू देयर जीनोम। ठीक है, जीनोम में फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करवा के उसकी जीन अल्टर्ड हो चुकी है। तो अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करें तो ट्रांसजेनिक एनिमल के पास जो है वो फॉरेन जीन्स होती हैं। ठीक है ना, फॉरेन जीन्स, फॉरेन जीन जिसको इंटेंशनली जो होते हैं इंटेंशनली, मैं यहाँ पे वर्ड लिख भी देती हूँ, अगर आपने साथ साथ लिखना है तो लिख लें, इंटेंशनली इसको इंसर्ट कर देते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, एनिमल के जीनोम में, ठीक है, साइंटिस्ट इसको इंसर्ट कर देते हैं जीनोम के अंदर। तो ये कुछ फॉरेन जीन्स होती हैं जो इंटेंशनली साइंटिस्ट इंसर्ट कर देते हैं जीनोम में। दिस इज़ डन टू मॉडिफाई देयर जीन। क्यों ये किया जाता है काम? ताकि उनके जीन्स को मॉडिफाई किया जा सके। तो इंटेंशनली इंसर्शन की जाती है, किस तरह, क्यों की जाती है, मॉडिफाई किस चीज़ को मॉडिफाई करना, जीनोम को, जिसके अंदर इंसर्शन की गई है उसको मॉडिफाई करने के लिए ये काम किया जाता है, ताकि उसके अंदर कुछ न्यू करैक्टर्स आ जाए, न्यू ट्रेट्स लेने के लिए मॉडिफिकेशन ये की जाती है। ट्रेट्स कुछ सर्टेन करैक्टर्स होंगे जो एक एनिमल के अंदर पाए जाते हैं और दूसरे के अंदर नहीं पाए जाते, लेकिन वो करैक्टर्स बेनिफिशियल हैं, तो दूसरा एनिमल भी चाहता है कि वो उसके अंदर डेवलप हो जाए। इसीलिए फिर ये साइंटिस्ट उसके लिए ये हेल्प करते हैं कि ये इंटेंशनली वो फॉरेन जीन को इंसर्ट कर देते हैं जीनोम में, उस जीनोम में जिसमें वो करैक्टर नहीं पाया जाता। ठीक है ना, ये फॉरेन जीन होती है ना, ये इंटरेस्ट की जीन होती है, इसके पास कुछ स्पेसिफिक करैक्टर्स होते हैं, और ये जीनोम जो होता है ये सिंपल होता है, जिसके अंदर ये इंटरेस्ट की जीन नहीं पाई जाती। तो साइंटिस्ट ये थोड़ी सी हेल्प करते हैं, ये इंटेंशनली इस फॉरेन जीन को, इंटरेस्ट की जीन को इस जीनोम के अंदर सिंपल जीन में इंसर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करवाते हैं ताकि कुछ करैक्टर, न्यू करैक्टर्स मिल सके। ठीक है, तो न्यू करैक्टर्स को हासिल करने के लिए, को पाने के लिए ये एक जो होते हैं फॉरेन जीन की इंसर्शन करवाते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप के हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल हैं, जिसके अंदर हमारे पास हैं ट्रांसजेनिक पिग, बर्ड एंड इंसेक्ट्स एंड शीप्स। तो अगर हम एग्जांपल देखें, ट्रांसजेनिक पिग,
बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड शीप्स। तो यहाँ पे अब हम बेस्ट एग्जांपल देखेंगे शीप की, ठीक है ना। तो उसके पहले हम एक मेथड देखेंगे, ठीक है। तो जो कि जिसको हम डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहते हैं, तो मेथड्स एट डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। मेथड हम देखते हैं, मेथड किस चीज़ के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल की डेवलपमेंट के लिए मेथड हम देखते हैं यहाँ पे। तो दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक होता है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड। और दूसरा मेथड है हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसफर मेथड। क्लियर। तो अब हम वन बाय वन इन दोनों मेथड को स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड की, ठीक है ना। तो डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड में सबसे पहले क्या होता है, एक प्रो न्यूक्लियस को जो होते हैं वो डिस्क्राइब किया था जॉर्डन और उसके कलीग ने, ठीक है ना। प्रो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट बहुत अहम है इसके अंदर। मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी कि व्हाट इज़ प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। प्रो न्यूक्लियस, तो प्रो न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होती है एग की और स्पर्म सेल्स की, बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले एग और स्पर्म सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं वन एंड कंडीशन में, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस होती है हमारे पास, मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस ये फर्टिलाइजेशन से पहले विजिबल होती है, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिकली विजिबल होती है सेवरल आवर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये क्या होती है, विजिबल, कुछ घंटे पहले फर्टिलाइजेशन होने से कुछ घंटे पहले ये माइक्रोस्कोपिकली विजिबल होती है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जो जब भी तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वन एन कंडीशन में पाई जाती है। तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि जब भी मेल और फीमेल जो होते हैं वो सेल फ्यूज़ करते हैं, तो कुछ घंटों तक स्पर्म की इंट्री के बाद भी एग के अंदर स्पर्म, अब ये एक एग है, ठीक है हमारे पास, और ये हमारे पास एक स्पर्म, ठीक है। अब इस एग और स्पर्म ने करना है फ्यूज़, ये एग का न्यूक्लियस, ये हमारे पास है स्पर्म का न्यूक्लियस। तो कहने का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल न्यूक्लियस दोनों ही जो होते हैं वो एक दूसरे से अलहदा होते हैं और माइक्रोस्कोपिकली विजिबल होते हैं। माइक्रोस्कोप को इनसे दोनों में फ़र्क किया जा सकता है कुछ घंटे बाद फर्टिलाइजेशन के, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि ये मेथड अलाउ करता है कि जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन करवा दी जाए ट्रांसजीन की होस्ट डीएनए में। मतलब आपने कोई सर्टेन करेक्टर्स की जीन इंसर्ट करवानी है, तो आपके पास, आप देखें यहाँ पे आपके पास वो जीन्स हैं, कुछ सर्टेन करेक्टर्स की जीन है जिसको आपने नाम दे दिया है ट्रांसजीन का, ठीक है। तो जब ये विजिबल है, ऑब्वियसली पता चल रहा है मेल न्यूक्लियस कौन सा है, फीमेल न्यूक्लियस कौन सा है, तो ट्रांसजीन की जो इंटीग्रेशन होती है ना, ये अर्ली इंटीग्रेशन होती है, ये आसान हो जाती है, ठीक है, ताकि जो ट्रांसजीन की इंसर्शन करवा दी जाए। और ये ट्रांसजीन जो हो, इस जब एग से नेक्स्ट एम्ब्रियो बने, जायगोट बने, इस एग से नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद उस जायगोट से एम्ब्रियो बने, तो उन तमाम चीज़ों के अंदर ट्रांसजीन मौजूद हो, ठीक है। आप सब ट्रांसजीन को इस प्रो न्यूक्लियस में इंसर्ट करवाने का मकसद क्या है कि जो ये ट्रांसजीन है ये अपने जो है वो विजिबल रहे, ये ट्रांसजीन अपने करेक्टर्स शो करे जाइगोट में, उसके बाद है एम्ब्रियो में, और उसके बाद है होल ऑर्गेनिज्म में,
ठीक है ना, क्लियर। ट्रांसजीन की इंसर्ट करवानी है आपने इस रेड वाले न्यूक्लियस में, जो कि स्पर्म का न्यूक्लियस था, इसमें आपने ट्रांसजीन की इंसर्शन करवानी है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट करना है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो ये हमारे पास ट्रांसजीन है इसको आइसोलेट कर लेना है, ठीक है। एक फिर उसके बाद इस ट्रांसजीन को किसी भी, इस ट्रांसजीन का कोई भी पार्ट लेना है, और एक वेक्टर है हमारे पास मोस्टली होता है वो प्लाज्मिड, ठीक है। उस वेक्टर के अंदर इसको लगा देना है, ठीक है, ये वाली ट्रांसजीन को। उस तो उसके बाद क्या करना है, सबसे इसको बैक्टीरिया की किसी भी कॉलोनी में जाके उसको जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेना है, और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करना है, ये जो डीएनए का पीस है जो हमारे पास आए हैं डीएनए के पीसीज, उसको क्या करना है, उसको आइसोलेट कर देना है और एक सिरिंज में रख देना है। मतलब कि ये डीएनए का पीस था, ये हमारे पास एक सिरिंज है, ठीक है। इसमें क्या रख लेना है, यहाँ पे रख दिया हमने पीस ऑफ डीएनए, डीएनए का पीस यहाँ पे सिरिंज में रख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इंजेक्ट कर देना है प्रो न्यूक्लियस में। किसके प्रो न्यूक्लियस में, स्पर्म सेल के प्रो न्यूक्लियस में। ये यहाँ से ये जो रेड वाला डॉट है इसके अंदर इस डीएनए को इंजेक्ट कर देना है, ठीक है, ताकि जेनेटिक मटेरियल जो हो वो जब ये दोनों मिल जाए ना, फ्यूज़ कर जाए, तो पूरे का पूरा जेनेटिक मटेरियल जो हो वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे अब ये ब्लैक कलर का डीएनए आ गया, तो मैं ये दो तीन ब्लैक डॉट लगा देती हूँ इस रेड के अंदर, ठीक है ना, तो ताकि पता चल जाए कि न्यू डीएनए की इंसर्जन हो गई है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की इंसर्जन हो गई है। अब क्या होता है, अब इसने करना है फ्यूज़, ठीक है। ये था पहले था अनफर्टिलाइज्ड, मतलब के एग के अंदर अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब हो गई यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। तो पहले पता क्या था, पहले था अनफ्यूज्ड, कोई भी फ्यूजन नहीं हुई थी, अब यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगी। ये था फीमेल न्यूक्लियस, ये है मेल न्यूक्लियस, ये दोनों फ्यूज़ कर गए और अंदर इसके जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आ गई है, ये ब्लैक डॉट, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, अब ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास आ गया है जाइगोट, अब ये हमारे पास जाइगोट आ गया है। अब ये जो जाइगोट है इसने डिवीजन करके एम्ब्रियोनिक सेल बनाने हैं, एक जाइगोट से नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक सेल्स बनेंगे, एक एम्ब्रियोनिक सेल बनाए, ठीक है, ये दूसरा, दो एम्ब्रियोनिक सेल्स बनेंगे, ठीक है, सेम पेरेंट के जैसे ही, ठीक है। ये मैंने ब्लू से मार्क कर दिया, सॉरी रेड से करना था। इस एम्ब्रियो को जो है हमारे पास, ये जो एम्ब्रियो है इसको ट्रांसफ़र कर देना है यूट्रस ऑफ सीडो प्रेग्नेंट, मतलब सैरोगेट, माउस के अंदर वहाँ पे एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन करवानी है। तो सीडो प्रेग्नेंट माउस कौन सी फीमेल होती है जिसको जिसकी मेटिंग करवाई जाए, किसके साथ, विसेक्टोमाइज्ड मेल माउस के साथ, मेट विद विसेक्टोमाइज मेल माउस। विसेक्टोमाइज्ड माउस कौन सा माउस होता है जिसका वास डेफरेंस रिमूव करवा दिया जाए, कट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ठीक है ना। क्यों करवाया जाता है इस सर्जिकल प्रोसेस से, वास डेफरेंस को इसलिए कट किया जाता है ताकि स्पर्म जो है वो टेस्टिकल से यूरिथ्रा तक ना पहुंच सके, ठीक है ना, क्लियर, ताकि स्पर्म जो है वो यूरिथ्रा तक ना पहुंच सके। तो इस तरह क्यों किया जाता है, विसेक्टोमाइज माउस के साथ क्यों इसको करवाया गया मेल माउस के साथ, क्योंकि वो पहले ही जो थी वो उसके अंदर वो स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज़ हो चुके थे। अब इसको सीडो प्रेग्नेंट के अंदर इसलिए करवाया गया है, ये तो सैरोगेट थी मदर, मतलब कि ये इसके अंदर जस्ट इम्प्लांटेशन आपने करवाई है। अब इम्प्लांटेशन करवाने के बाद
इसी तरह ही डेवलपमेंट नहीं होगी एम्ब्रियो की, इसके अंदर कुछ हार्मोनल जो है वो रेगुलेशन करवानी पड़ती है, वो हार्मोनल रेगुलेशन मेटिंग के बाद ही होती थी, लेकिन इसकी तो मेटिंग हुई नहीं है। इसके अंदर जस्ट एग और स्पर्म को जस्ट इम्प्लांट किया गया, इसका ना कोई एग है अपना ना कोई और चीज़ है, ठीक है ना। तो इसको मेटिंग नहीं हुई तो हार्मोन किस तरह वहाँ पर जो होंगे वो रेगुलेट होंगे, तो वो किया जाता है इस मेटिंग से। विसेक्टोमाइज्ड मेल माउस के साथ मेटिंग के साथ वो हार्मोन जो होते हैं वो स्टिम्युलेट होते हैं बॉडी के अंदर, ताकि यूरिट्रस को रिसेप्टिव बना सके एम्ब्रियो के लिए, ठीक है ना। स्टिम्युलेट, ये जो मेटिंग होती है ना, बल्कि यहाँ ऐसे लिखती हूँ, स्टिम्युलेट हार्मोन क्यों स्टिमुलेट किए जा सकते हैं, ताकि जो है वो हमारे पास यूरिट्रस है इसको रिसेप्टिव बनाया जा सके एम्ब्रियो के लिए, कि यूरिट्रस को इस चीज़ के लिए रेडी रखा जाए कि वो एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करे वो ये, और वो होता है इस मीटिंग के ज़रिए, इस मीटिंग के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मीटिंग के बाद ही जो होते हैं वो रिसेप्टिव होता है एम्ब्रियो, लेकिन यहाँ पर मीटिंग नहीं हुई है, बाहर से सेल जो है वो ला के इसके अंदर जो होता है वो इम्प्लांट करवाया गया है, सेल सी करवाई गई है, तो उसके हॉर्मोन्स जो हैं इसके रेगुलेट किए रहते हैं इसकी मेटिंग करवा के विसेक्टोमाइज्ड माउस के साथ, ठीक है। तो मैं दोबारा थोड़ा सा इसको जो होता है वो रिवाइज कर देती हूँ। जो डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड वो होता है जिसके अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है डीएनए को किसके अंदर, मेल जो होता है स्पर्म जो होता है ना उसके न्यूक्लियस के अंदर, वो स्पर्म का न्यूक्लियस को हम कहेंगे प्रो न्यूक्लियस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के पहले जो न्यूक्लियस होता है उसको हम प्रो न्यूक्लियस ही कहते हैं, तो ठीक है। तो प्रो न्यूक्लियस जो मेल और फीमेल के केस में ना विजिबल होता है कितनी कुछ आवर्स बाद भी, फर्टिलाइजेशन के कुछ आवर्स के बाद ये विजिबल रहता है, तो इसी विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपी के लिए विजिबल होता है, तो क्या किया जाता है, आपको जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जिसको हम ट्रांस जीन कहते हैं, ठीक है ना, उसको लेना है और क्लोन करवा देना है किसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर। उसके बाद क्या करना है, यहां पे एक इंजेक्शन लेना है, ठीक है ना, ठीक है, और उससे इंजेक्शन इंजेक्शन के ज़रिए ना आपने यहाँ से जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेना है, ठीक है ना, नीडल के सिरिंज के ऊपर, और इंजेक्ट करवा देना है प्रो न्यूक्लियस की, मेल प्रो न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट करवा दिया आपने, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, ये दोनों मिल जाएंगे, और जाइगोट के अंदर जो ये था ना डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट का वो आ जाएगा जाइगोट के अंदर। अब जाइगोट ने डिवाइड करके दो एम्ब्रियो सेल बनाए हैं, अब ए जो एम्ब्रियो है इसको क्या करवा देना है, इसको इम्प्लांट करवा देना है एक सैरोगेट माउस मदर के अंदर, ठीक है ना, सीडो प्रेग्नेंट माउस भी जिसको हम कहते हैं। तो इसके अंदर इसकी इस एम्ब्रियो को इसके लिए रिसेप्टिव बनाने के लिए जो सीडो प्रेग्नेंट माउस है इसकी, सीडो प्रेग्नेंट माउस की हम मेटिंग करवाते हैं विसेक्टिमाइज्ड मेल माउस के साथ। तो विसेक्टिमाइज्ड मेल माउस वो होता है जिसका वास डेफिनेंस ही रिमूव करवा दिया जाए, ताकि फर्दर जो है वो स्पर्म्स वगैरह की ट्रांसफर ना हो सके, ठीक है ना। तो ये जो तय जब इनकी मीटिंग करवाते हैं तो हार्मोन जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, और सीडो प्रेग्नेंट माउस इस चीज़ के लिए रिसेप्टिव हो जाती है कि वो एक्सेप्ट कर ले, रिसीव कर ले एम्ब्रियो को, ठीक है। तो इसकी अगर हम देखें एग्जाम्पल डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड की, तो किस प्रोसेस से ये कौन कौन से एनिमल मोस्टली बनते हैं, तो एक है बिग ब्लू एनिमल और एक है म्यूटा माउस, बिग ब्लू एनिमल और दूसरा है हमारे पास म्यूटा माउस, ये इस प्रोसेस से मोस्टली जो है वो जो होते हैं वो जीन ऑफ इंटरेस्ट या ट्रांसजीन का ट्रांसफर होता है इनके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड, जिसमें से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड की, ठीक है ना। न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड को थोड़ा सा यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर डोनर सेल का न्यूक्लियस लिया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है एग सेल के अंदर, ठीक है ना, एग सेल का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है और डोनर सेल का न्यूक्लियस एग सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो ममालियन क्लोन हम हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था वो थी डॉली शीप, ये प्रोड्यूस हुई थी 7 जुलाई, ये जो डॉली शीप थी कब प्रोड्यूस हुई थी, ये 7 जुलाई
1996 में डॉली शीप जो थी इसको प्रोड्यूस किया गया था। तो अभी हम थोड़ी सी डिटेल के साथ इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो एक शीप थी हमारे पास फिन डॉर्सेट शीप, ठीक है, ये फर्स्ट शीप थी। और दूसरी हमारे पास जो शीप थी वो थी स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। इन दोनों के दरमियान जो मेन डिफरेंस था ना दोनों शीप के दरमियान, ये इनके फेस का कलर था। जो फिन डॉर्सेट शीप थी ना, इसके फेस का कलर वाइट था, और स्कॉटिश जो ब्लैक फेस वर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसके फेस का कलर जो था वो ब्लैक था, ब्लैक फेस ईव। इन दोनों के सेल लिए गए। तो ये जो था फिन डॉर्सेट शीप, इसके मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, में से इसका ये मेमोरी सेल है, मेमोरी सेल, ठीक है, इसके मेमोरी ग्लैंड में से लिया गया था इसका मेमोरी सेल, ठीक है। और जो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव थी, इसका लिया गया था एग सेल, ठीक है। तो जो मेमोरी सेल ग्लैंड में से मेमोरी सेल लिया गया था, इसको जो है वो मेमोरी सेल को रखा गया था एक ऐसी कंडीशन में जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम इसको सप्लाई किए गए थे, ताकि ये फर्दर डिवाइड ना कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो इसका न्यूक्लियस जो था मेमोरी सेल का, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया था, और ये एग सेल जो था इसका न्यूक्लियस जो था इसको रिमूव कर दिया गया था। और एग जिसका न्यूक्लियस रिमूव कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, enucleated सेल। सो एग सेल बिकम enucleated सेल, ठीक है। मतलब ये एम्प्टी आ गया, एग सेल हमारे पास एम्प्टी हो गया, इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया और मेमोरी सेल का न्यूक्लियस ले लिया हमने। इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या करवा दिया है, फ्यूज करवा दिया है। तो कुछ जो है वो इलेक्ट्रिक पल्स यहाँ पे देनी शॉक देना है, जिसकी वजह से इन्होंने आपस में फ्यूज़ कर जाना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल पल्स हम कह सकते हैं, जो कि ये इलेक्ट्रिकल पल्स ये रिसेंबल करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल जो है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से, ठीक है ना। तो उसकी पावर इतनी होती है इस इलेक्ट्रिकल पल्स की, तो इनकी फ्यूजन करवा देनी है इस इलेक्ट्रिकल पल्स के ज़रिए। अब क्या करना है, अब हमारे पास फ्यूजन हो चुकी है, ठीक है। अब फ्यूजन के बाद, अब हमें पता है कि फ्यूजन के बाद तो क्या होता है, कल्चर का प्रोसेस होता है। अब इस फ्यूज्ड सेल जो हमारे पास ये मौजूद है, जिसके अंदर मेमोरी सेल का न्यूक्लियस है और एग सेल का जो है वो बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो एग सेल के हैं, उसको हमने क्या करवा देना है, इसको हमने एक पेट्री प्लेट के अंदर कल्चर करवा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीवरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, इस पेट्री प्लेट में सीवरल न्यूट्रिएंट्स रखने हैं इस जो हमने जो सेल जो है वो फ्यूज सेल जो यहाँ पे रखा है, ताकि ये फ्यूज सेल डिवाइड कर सके और डिवेलप हो जाए एक एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। ये एम्ब्रियो आ गया है हमारे पास। तो उसके बाद क्या हुआ, इस एम्ब्रियो को ना ट्रांसप्लांट अब करवाना है, तो एम्ब्रियो को इम्प्लांट करवाना है एक सेकंड एक शीप के अंदर, नेक्स्ट शीप के अंदर। कौन सी शीप थी, ये सेकंड वाली थी, जिसको हम कहते हैं स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। यहाँ पे मैंने दोबारा बना दी है, इसके अंदर इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करवा दे रहे हैं। तो इस शीप ने बाद में बर्थ दी एक शीप को, जिसका नाम हमने डॉली रखा, ठीक है ना। ये शीप जो थी इसने बर्थ दी डॉली को। तो अब क्या हुआ, क्योंकि एग सेल लिया था इससे, ठीक है ना, हमने, और इसी के अंदर हमने ट्रांसप्लांट भी करवा दिया, मतलब कि एग सेल भी उसी का था, उसी के अंदर ही ट्रांसप्लांट करवाया, जस्ट न्यूक्लियस इसका था, बाकी सारा कुछ इसी का ही था। बाद में जो जो एम्ब्रियो की जो दोबारा डेवलपमेंट हुई, एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, एम्ब्रियो के लिए हर काम किया इस बेचारी ब्लैक फेस ईव ने। लेकिन एट द एंड हम देखते हैं जो डॉली है ये वाइट फेस निकली, ये देखें वाइट फेस निकली, ये ब्लैक फेस नहीं था। हालांकि ब्लैक फेस ने ही अपना एग दिया था, ब्लैक फेस ने ही अपना जो था वो ऑपरेटस दिया था, जो न्यूक्लियर एग अपने सीवरल प्रोसेसेस के लिए ब्लैक फेस ने ही इसकी डॉली की डेवलपमेंट करवाई थी। लेकिन एट द एंड डॉली रिजेंबल टू दिस फिन डॉर्सेट शीप, ठीक है ना। तो डॉली एक्सप्रेस करती है करेक्टर्स फिन डॉर्सेट शीप के। तो इवन थो इट वॉज बॉर्न फ्राम दी ब्लैक फेस ईव, ठीक है ना। तो ये क्यों हुआ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप,
न्यूक्लियस था जो जिसने जो ये सब कुछ करवाया, जो फिन डॉर्सेट शीप का न्यूक्लियस था वो एक्सप्रेस हुआ और उसने क्या किया, उसने ब्लैक फेस ईव के अंदर होते हुए भी सारे करेक्टर अपने शो किए हैं, ठीक है ना। और एट द एंड जो है वो वाइट फेस जो हमारे पास आ गई है शीप, जिसको हम कहते हैं फिन डॉर्सेट शीप, और इसको नाम दिया गया था डॉली शीप का। समझ लगे क्यों हुआ ये? ब्लैक फेस का ही एग था, ब्लैक फेस की ही बॉडी यूज हुई थी एज एन अपरेटस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डॉली। बट इन दिस एग देयर इज ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विच इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप। दैट्स वाई इट एक्सप्रेसिज द ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप इंस्टेड ऑफ रिजाइडिंग इन द बॉडी ऑफ द ब्लैक फेस ईव, ठीक है ना। ब्लैक फेस ईव की बॉडी के अंदर होने के बावजूद भी, ठीक है। अब ये जो डॉली है ना, ये किस तरह बनी है? ये बनी है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है, क्योंकि ये करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं सिंगल सेल से, ठीक है। तो उसके बाद डॉली जो थी इसने फर्दर जो थे वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किए गए थे। तो सबसे पहले जो ऑफ स्प्रिंग इस डॉली ने प्रोड्यूस किया था उसका मैं नाम लिखती हूँ, वो है हमारे पास बॉनी। तो ये एक प्रोड्यूस किया था, उसके बाद इसने दो ट्विंस प्रोड्यूस किए थे, एक का नाम था सैली और एक का नाम था रोजी। ये जो है वो डॉली के बेबीज हैं, ठीक है ना, सैली एंड रोजी, ये इसने ट्विंस प्रोड्यूस किए थे। और तीसरी दफ़ा इसने ट्रिपलेट प्रोड्यूस किए थे, एक था लूसी, डार्सी एंड हॉटन, लूसी डार्सी एंड एट द एंड इज हॉटन, ठीक है। आप ज़रा स्पेलिंग जो थे वो उसके देख लीजिएगा, ये ट्रिपलेट इसने प्रोड्यूस किए थे। और जो डॉली थी ना, इसकी डेथ किस तरह हुई? इट डाइड इन 14 फरवरी 2003। डेथ कब हुई थी इसकी, डॉली की डेथ की मैं बात कर रही हूँ, डॉली शीप की। तो ये हुई थी 14 फरवरी 2003। किस तरह हुई थी डेथ इसके जो था वो कैंसर की वजह से हुई थी डेथ, जिसको हम कहते हैं ओवीन पुल्मोनरी एडिनो कार्सिनोमा, ओवीन पुल्मोनरी, ठीक है, ओवीन पुल्मोनरी एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, ये डिजीज़ की वजह से इसकी इस कैंसर की वजह से इसकी डेथ हुई थी। और ये कैंसर जो था ये किससे काज होता था, ये वायरस था, रेट्रोवायरस JSRV, ठीक है। और लाइफ स्पैन जो था इस डॉली का वो कितना था, लाइफ स्पैन इज 6.5 ईयर्स, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।